बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिकंदर कमाल आपसे मुखातिब हूँ मुस्लिम एजुकेशन अकेडमी की तरफ से अपनी पांचवी जुमात के तालिबे-इल्म से। वीडियो के जरिए हम क्लास में भी आज हमारा मशहूर पढ़ने का वो हजरत अली का अल्लाह मजहूर हजरत अली मुर्तजा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जलील कदर सहाबी के इसके अलावा आप तालिबे-इल्म के हिस्से भी हैं। आपकी बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा का निकाह थी हजरत अली का मुल्ला वजूद से हुआ था। इसमें पूरी सबक में जो है वो पूरी डिटेल है, आपको इसको पढ़ना है। हजरत अली के शान में बहुत सारे हदीस भी है। एक जंग के मौका पर दूसरे नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा कि आप पीछे रुक जाए, हम चलते हैं। तो इस पर आप हजरत अली का मुल्ला वजूद नाराज हो तो दूसरे नाम सल्लल्लाहु ने कहा हजरत अली तेरी मुझसे वो नस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा से बशर, लेकिन मेरे फर्क ये है कि मेरे बाप की बीवी नहीं आई। इतना अलीकरम अल्लाह वजू अदर अलीकरम अल्लाह वजू की जो हिजियत थी, जो शान थी, वो आजमत थी। और एक मतलब अदर अलीकरम अल्लाह वजू का हाथ इस तरह उठाया और कहा जिसका मौला मैं उसका मौला अली, मतलब जो मुझे मानते हैं वो अली को मानेंगे। कई इसमें और भी आदमी थे अदर अलीकरम अल्लाह वजू की बहुत बड़ी शान है। तो पहला सवाल है कि अदर अली कौन थे? तो वो के चचा हुसैन के बेटे थे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा भी थे। ये मुसलमानों के चौथे खलीफा भी थे। मुसलमानों के तीन खलीफा जो उससे पहले गुजरे थे उसके अंदर अबू बकर सिद्दीक और उनका पीरियड भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल 3 माह। और उसके बाद उमर फारूक जिनमें बड़ी फतवात उमर फारूक ने आखिर की वो जो खलीफा बने अमीरुल मोमिनीन बने, पर्शियन अंपायर के लिए उसके बाद रोमन अंपायर के लिए बने अलैहिस्सलाम, और आपने 10 साल खिलाफत की। फिर उसके बाद हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी जलील कदर सहाबी है, बनू उमय्या से उनका ताल्लुक था और उन्होंने 12 साल खिलाफत की। फिर उसके बाद हजरत अली करम अल्लाह वजहु जो है वो मुसलमानों के खलीफा बने, उन्होंने तकरीबन 6 साल के करीब जो थी वो मुसलमानों की खिलाफत की। और उधर प्रेसिडेंट ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक होगी। तो ये 4 खुलफाया दीन और 6 माह आनंद इनके करीब रहेंगे जो पूरे का सवाल है सर का मौजूद के बेटे थे। तो ये मुसलमानों के चौथे खलीफा भी थे और उधर प्रेसिडेंट के चचा अबू तालिब के बेटे। तो ये पहला उनका जो है वो तारुफ है कि आप मुसलमानों के खलीफा थे और अबू तालिब के बेटे थे। दूसरे का मतलब के चचा भी और एक बहादुर इंसान भी थे। कभी भी आपने लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई बल्कि आप बहादुरी से लड़े। तो तीसरा हमारा सवाल है कि आप बहादुरी के बारे में लिखे तो गुज़वा बदर में आपके अकेले 20 सरदारों को कत्ल किया, कुफार के 20 सरदारों को, और गुज़वा खैबर में भी आपने फतह फिर ली आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आप बड़े बहादुर थे, बहुत ज्यादा बहादुर थे। और बचपन में वो आपके बारे में कौन बात की है कि आप मर्दों में वो पहले शख्स थे जो इस्लाम में, मतलब बाद उलमा कहते हैं कि बच्चों में पहले थे और कई वाकयात में आए कि आप मर्दों में भी पहले थे। मतलब अल्लाह अबू बकर सिद्दीक मर्दों में पहले ईमान लाए और अपनी बच्चों में, अगर दोनों का मुआवजा करें तो फिर भी कहा जाता है कि हजरत अली उनसे पहले ईमान लाए। पर ये उलमा है, तारीख है, उनको बेहतर पता होगा। अच्छा, तो इसका सवाल उनका जो मेरे कहे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुताबिक भगवान से बात की जो लिखा है वो तो यह है कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कई कुफार के सरदारों को कत्ल किया। इसके अलावा कस्बे खैबर में भी आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किए। एक चौथा सवाल है कि जो चल चुका आखिरी सवाल है, जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह खड़ी में गए तो क्या हुआ? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मामूली और बनाए के लिए नरम बनाए आपने दुकान से अपने लिए मामूली कपड़ा खरीदा और गुलाम के लिए नमूना है। ये पूरा वाक्य जो है वो किताब में आप उसको लिख ले। और आखिर में आपने क्या करना है, इस जो हमने सबक पढ़ा जो इस बारे की इसके बारे में शार्ट को पूछना है कि सबक इससे आपको क्या सबक मिलता है, आपको क्या नसीहत मिलती है। ये सबक तो आपने कल में पढ़ा, ये सवाल लिखे इससे आपने क्या टेक किया, मतलब आप किस चीज पर समझे और वो आपने नोट में लिखना है और फिर आपने निकाल। ठीक है।
ठीक है भैया, आपके साथ उसको नोट कर ली। ये हमारा आज का टॉपिक था मोशन ऑफ मैया, मतलब विक्रम नवमी के बारे में था। ये आप अपने कॉपी में लिख लें और इंशाल्लाह हम अगले जो सबक है वीडियो लेंगे आपसे।